ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है. सलमान भाई और कैटरीना कैफ के बाद ऐसा लगता है दोनों की पैर माशाल्लाह. दिस न्यू किड्स, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, ये दे आर नेशंस हार्ट थ्रोब. सारे लड़के उसके जन्नत के पीछे पागल है, सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है. दोनों का बहुत अच्छा रामजी गुलाटी ने यूज़ किया है माशाल्लाह. वेरी नाइस सॉन्ग और ये सॉन्ग चल रहा है ऑलरेडी, सुपर हिट हो चुका है. आई विश देम ऑल द लक, इज लाइक माई यंगर ब्रदर. सो मैं हमेशा मेरे भाइयों के साथ में हूँ. व्हेनेवर दे नीड मी आई एम ऑलवेज देयर. आने वाला है मेरा जोनर आपको पता चलेगा. मैंने ऐसे म्यूजिक वीडियो बहुत सारे किए लेकिन अभी मैं चेंज किया. अभी मेरी माँ के लिए मैंने गाना लिखा हूँ और उस गाने पे वो म्यूजिक वीडियो आने वाला है. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. यार मैं भारत फिल्म अभी देखा नहीं हूँ लेकिन मैं देखने वाला हूँ. पर फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी लगी है और फिल्म बहुत अच्छी जा रही है. इसका मतलब लोगों को फिल्म पसंद आई है और लोग फिल्म देख रहे हैं. तो आई थिंक सो मैं भी जाके कल देखूंगा, उसके बाद तेरे को बताऊंगा कि फिल्म मेरे को कैसी लगी. अच्छी बात है, सेलिब्रिटी को राहत हो जाती है कॉमनर नहीं है तो. क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी 15 साल 20 साल काम करके एक सेलिब्रिटी अपना नाम बनाता है. आप लोग भी जानते हैं बहुत मुश्किल है नाम बनाना. उसमें आके एक कॉमनर उनको कुछ भी बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब. तो अच्छी चीज़ है, सेलिब्रिटीज आ नहीं रहे थे, अब वो लोग आएंगे और खुल के सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी जो बहस होती है वो चलता है. उनको पता है कहाँ हमारा बिलो तो बैंक मारना है, कहाँ रुकना है, किधर क्या करना है. और कॉमनर का क्या रहता है कि वो सीधा आके हंग्री रहता है कि किस सेलिब्रिटी से मैं लड़ूं, मेरा प्रोमो बने, मैं फेमस हो जाऊं. मेरे भाई मैं कोई भाई का एक दिन के लिए मेरे को अगर बुलाया तो मैं जाऊंगा. लेकिन फिलहाल मैं अभी बिग बॉस से थोड़ा सा मैंने, क्योंकि अभी दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए यार. मैंने जो दिखाया वो हो गया. अभी मैंने दो बार गया, तीसरी बार गया, अब क्या तू मेरे को 100 बिग बॉस तक भेजता रहेगा. हाँ मतलब भाई के बाद इंशाल्लाह होस्ट करेंगे हम, जब भाई बोलेंगे कि अभी मेरे को नहीं करना तो इंशाल्लाह. मीडिया से कभी नाराज नहीं हूँ. मीडिया से मेरे को एक ही सवाल है, जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये फ्रंट पेज बैक पेज कोई पेज नहीं छोड़ते. जब मैं बाइज्जत भरी हो जाता हूँ तो ये लोग कुछ नहीं लिखते. आई डोंट, मीडिया से मेरी ये चीज़ है कि आप लोग ये ना करें. क्यों पता है? इससे क्या होता है कि देखो मेरा भी बच्चा है, वो भी स्कूल जाता है, मेरी भी फैमिली है, मेरी माँ है. मेरी माँ अल्लाह ने उसको बुला लिया, लेकिन मेरी बहनें हैं, उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले हैं. इस तरह कई लोगों के कई चीज़ें होती है. जब तक कानून उसको प्रूफ नहीं करता है, कुछ नहीं करता, आप लोग उसको आरोपी बना के अपने पेजों पे, अपने पोर्टल पे, यहाँ यहाँ पे उसको फटाफट डाल देते हो, टाइटल भी ऐसे ऐसे देते हो. ये मत करो मेरी जान, क्योंकि किसी पर्सनल लाइफ का सवाल होता है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आप लोग उसको वो बना के डाल देते हैं. ये मत करो मेरी जान. थोड़ी सी छानबीन कर लो, थोड़ा पुलिस वालों से बात कर लो, क्या हो रहा है पता चलेगा. लेकिन और क्या मतलब, फंसा ही नहीं गया तो क्या अभी बाहर क्यों खड़ा हूँ? उसमें आदमी को 10 साल की सजा होती है. हाँ वो पता चलते ही तेरे को फोन करूंगा मैं. मेरे भाई अच्छा है ना, अच्छा आदमी है. युवराज सिंह रिटायर लिया, मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है. तू नए बच्चे क्रिकेट खेल पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो पुराने पुराने हिल ही नहीं रहे. नवे का तो नंबर ही नहीं आ रहा है. यंगिस्तान है भाई, यंग लोग आएंगे तो थोड़ा काम होगा, हमारे देश का थोड़ा नाम होगा. भाई युवराज यू आर वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड. अरे बस धोनी बाबा, इतनी भाई, इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, इतना नाम, भाई दूसरे को भी कमाने दे छोटे यार, ऐसा मत कर मेरी जान. बेटा ऐसे ऐसे बच्चे है ना खेलने वाले इंडियन टीम में, यहाँ से मारेगा ना सिक्सर सीधा पाकिस्तान में जाके बॉल गिरेगा. ऐसे ऐसे छोकरे लोग हैं अपनी टीम में, उनको मौका तो मिलने दो. देख बेटा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक माँ के दो बेटे हैं, खाली करवट बदल के लेटे, समझा ना. मैच होगी इंडिया का तो मैं तारीफ, में इंडिया में पैदा हुआ तो मेरी इंडिया ही है ना भाई. लेकिन ये जब मैच खेलते हैं एक स्पोर्ट्समैनशिप है भाई, ये कोई वॉर नहीं हो रहा है. पब्लिक क्या हमारे यहाँ क्या बना देती है, वॉर बना देती है. पाकिस्तानी क्रिकेटरों को गालियाँ कुछ, अरे नहीं भाई,
काई के लिए ये मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा हम सबको बदलना चाहिए यार, मोहब्बत बांटो यार। मैं भी देख बदल गया हूँ छोटे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या जिनको कहे इमरान खान को न्योता नहीं दिया था, क्या मानते हैं, कैसा लगता है, क्या इसका ओपिनियन क्या है आपका कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया? मैं समझा नहीं यार छोटे, तेरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने फिर तो मोदी जी को भी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसा देता, फिर पब्लिक उनको भी बोलती तुम पाकिस्तानी को बुला लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो शाने है भाई मोदी जी। नहीं तो उनका भी हाल वो सिद्धू पाजी के जैसा हो जाता, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा मारा ना। अभी क्या हो गया, पब्लिक के हाथ में क्या पत्थर और वो नहीं है, उंगलियों में खेल रही है पब्लिक, ट्विटर में इसमें पब्लिक ऐसी गालियां दे रही है, आदमी सुसाइड कर ले। अच्छा योगी जी का एक वीडियो आया है अभी कि उनकी एक पत्नी है, वो कथित रूप से कह रहे हैं कि योगी जी इंसान नहीं है, उनकी पत्नी नहीं हो सकती, मतलब हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या है अगर उनकी पत्नी है, वो प्यार कर रहे हैं, वो भी विन डीजल की तरह ऐसे ही चले जाए क्या? खैर वो हमारे इंडिया के विन डीजल है भी, वो फाइटर है, वो भी तो लड़ ही रहे ना योगी जी, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो अच्छी बात है। लेकिन जिसने वो वीडियो चला है उसको अंदर भी भिजवा दिया भाई, देख सीएम है तेरे को भी अंदर भिजवा सकता है, ज्यादा सवाल मत कर। दो चार रिपोर्टर अंदर गए हुए हैं और मैं तो अंदर जाके आया ही हूँ। तो ज्यादा मत पूछ।